तो हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। एंड मैं दुआ भी करता हूँ कि हर कोई खुश रहे एंड हैप्पी रहे और ऐसे ही मुझे भी प्यार करता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार देते रहो और करते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो जी हाँ, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये बिल्कुल नई वीडियो होने वाली है, बिकॉज़ इससे पहले मैंने इस एक्टर के किसी भी मूवी पे, मतलब किसी भी मूवी ट्रेलर वीडियो, किसी भी मतलब वीडियो पे मैंने रिएक्शन नहीं दिया है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि किसी नए एक्टर की वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। जी हाँ, और ये भी भोजपुरी की ही है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की ही वीडियो है। ये बॉलीवुड की वीडियो नहीं है, साउथ की भी नहीं है, ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री की वीडियो है। बट हाँ, जो एक्टर है वो मतलब नया एक्टर है, ना खेसारी लाल है ना पवन सिंह है, एक नया एक्टर की मैंने वीडियो उठाई है, जो मुझे लगा कि मुझे इस पे भी रिएक्शन देना चाहिए। तो मैं फटाफट उस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए आ गया, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं और मैं ये देख सकूं कि इस एक्टर की भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। बिकॉज़ मैंने पवन सिंह की भी पॉपुलैरिटी देख ली, खेसारी लाल की भी देख ली, एंड नया फेस है। और आप लोग मुझे बहुत सारा कमेंट्स करके बताना कि इस एक्टर की कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले वीडियो देखते हैं, देन बातें करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक करना, कॉमेंट करना, और हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहो मुझे। तो लेट्स गो। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये इंसान जिसका नाम राहुल है, दिखने में तो बहुत सीधा एक्शन से ही स्टार्ट हो रही है, दरअसल असल जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला इंसान। चॉकलेटी चेहरा देख के हमरा के मासूम समझ ले बड़े। क्या बात है। अरे मार पीट में तो हमार रोवा रोवा रटार बा। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है कि भोजपुरी में जो डायलॉग होते हैं ना यार, वो बहुत मतलब ऐसे डायलॉग होते हैं कि डायलॉग ही सुन के बंदा डर जाए, ऐसे डायलॉग्स होते हैं। तो मज़ा आता है देख के, मतलब एक वीडियो की स्टार्टिंग ही एक्शन से ही स्टार्ट होती है, तो एक एनर्जी फील होती है अंदर से। जैसे लेके बुझा तरू ना, वैसे ना है हम। हाँ, तरह की देखिए कि बुझा गया कि कितना पानी में पड़े। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो एक्ट्रेस है ना, मैं इसका धीरे धीरे फैन हो रहा हूँ। आप लोग ये कमेंट्स करके भी मुझे बताना कि इस एक्ट्रेस की, एक्टर की तो बताना ही है कि आपको कितनी फैन फॉलोइंग है, और प्लस एक्ट्रेस जो है इनका भी, आई थिंक इनका नाम है अक्षरा सिंह, तो इस एक्टर की भी जो पॉपुलैरिटी है वो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताना कि कितनी ज़्यादा है। तो अखिया से अखिया के होता चुमावन की मन पर छावन खो जाता। क्या बात है, भूख लगा हुआ लाट साहब जी आयल बड़े, जा आरती उरती लेके आओ, सुखन के घर पे मारपीट जे का के आयल बड़े। वैसे एक कमी छोड़ के एकरा में कोनो दोष नहीं थे, उका बहुत शॉर्ट टेम्पर है, ओकरा गुस्सा पर तनको कंट्रोल नहीं थे। ना दादाजी, तीन चार दिन से नहीं खे भाई। मोबाइल बा तहरा लगे? हाँ बा। एगो फोटो लेके रख ला, दिन रात देखा था ये। लड़का इंजीनियर है। लड़का इंजीनियर है कि लड़का इंजीनियर बा? हम इंजीनियर आदिम। इंजीनियर हुआ जी? इंजीनियर आए। ओकरा के बटा के रखी है, ओकरा जैसन फोकट के नौकर कहाँ मिली हमनी के। प्यार ओकरा के ना कहल जाला जेकरा से तू करेला, प्यार ओकरा के कहल जाला जे तोहरा से प्यार करे। सुनिए बलम जी हाली ससुरा बुला ले जी। हाँ, सुनिए बलम जी हाली
ससुरा बुला ले जी, नई हर में तो निको ना लागे मनवा। थैंक यू। मर्द से प्यार किया जो अपने प्यार को अपनी जान समझता है। पागल आप जिससे पागल समझ रहे हैं वो पागल नहीं, वो मेरा डार्लिंग है। डार्लिंग है, डार्लिंग है। सुनिए बलम जी हाली। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए वीडियो का मतलब मूवी का जो नेम है वो भी नहीं बताया, एक्टर का नेम नहीं बताया, बिकॉज़ मैं चाह रहा था कि आप लोग पहले देखो, और मैं भी देखना चाह रहा था कि एक नए एक्टर और एक्ट्रेस की मतलब मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ वीडियो पे, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा है, और मैंने होप नहीं किया था कि कोई और अदर एक्टर की भी इतनी अच्छी मतलब वीडियो हो सकती है। और ये है कि वीडियो पूरी एक्शन से भरपूर है क्योंकि स्टोरी वीडियो की ऐसी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, इस मूवी का नाम है डार्लिंग, जिसकी जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम है अक्षरा सिंह एंड राहुल शर्मा एंड अमित शुक्ला, भोजपुरी इंडस्ट्री के ये लोग मतलब आई थिंक माने जाने एक्टर और एक्ट्रेस हैं। और मतलब बहुत ही अमेजिंग वीडियो रही मेरी, और मतलब ऐसा हुआ ना कि इस वीडियो का जो मुझे ट्रेलर का जो वो है ना, वीडियो है ना, जो वो मुझे देखने के बाद ना ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि मतलब देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इस मूवी की जो स्टोरी है ना वो किस बेस पे है। जी हाँ, अभी स्टोरी ये है कि एक लव स्टोरी है, और लड़का जो होता है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और मारना पीटना मतलब मारपीट करना उसको अच्छा लगता है, मतलब और वो लड़की से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है, और उस लड़की के लिए मतलब वो नहीं चाहता कि उसको कोई टच भी करे। तो ये बहुत डीप स्टोरी है, और इसकी वजह से लोग उसको समझते हैं कि वो पागल है और मतलब एक हैवान है, इंसान नहीं है। बट लास्ट में लड़की ही, ट्रेलर में जो दिखाया हुआ है कि लास्ट में लड़की ही बोलती है कि वो पागल नहीं है, और जिससे मैं प्यार करती हूँ वो अपनी प्यार के लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो ऐसा है। हाँ, ये है थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बट वो पागल नहीं है और वो मेरा डार्लिंग है। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, और वीडियो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि ओवर एक्टिंग लगे, ओवर हाँ ये है कि एक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि उसको जो हीरो है उसको दिखाया ही ऐसा गया है तो एक्शन होगा ही। और जो एक्शन है, मैंने एक्शन जो जितनी भी सीन्स है ना वो देखने के बाद मुझे ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि जो साउथ है ना, साउथ को कॉपी अच्छे से किया जा रहा है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और जितना भी मैं भोजपुरी वीडियो को अभी देख रहा हूँ ना, तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे मेरा ना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे जो वीडियो मैं देख रहा हूँ हर वीडियो में मुझे इम्प्रूवमेंट मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि अगर ऐसे ही एक दूसरे में कॉम्पिटिशन चलता रहा तो आने वाले टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री होकर उभरने वाली है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कि मेरी मतलब ये वीडियो कैसी लगी, मेरा रिएक्शन कैसा लगा। और हाँ, आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा लगता है ना कि आप लोग चाहते हो कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ या अच्छी नहीं है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो। ऑब्वियसली मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग जाके मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। एंड आप लोग मुझे ये ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि
ये एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं इनकी फैन फॉलोइंग भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना एंड अच्छी अच्छी वीडियो के रेफरेंस मुझे भेजते रहो ताकि मेरा और एक्सपीरियंस अच्छा हो और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को और ज़्यादा डीपली जान सकूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। बाय, टेक केयर।